नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत। हम देख रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आज की ये वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 21 से 30 तक, वीडियो संख्या 3। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा यूट्यूब पे जैसे नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अमेरिका का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है सी, परम सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 23, जापान का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है बी, फुजित्सु के कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 24, सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यावसायिक फर्म और बिजनेस ऑपरेशन के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 25, मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है, इसका सही आंसर है सी, ए एंड बी बोथ। ए है फुजित्सु ICL VME और बी है हितेश Z800। क्वेश्चन नंबर 26, मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पादन साधनों में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग की जो कंपनी है, ना तो ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी, तो उसमें जो कंप्यूटर यूज होता है वो होता है डी, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है के 202, टेक्सा इंस्ट्रूमेंटल TI-990, SDS-92, इसका सही आंसर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी डिवाइस, ड्राइवर, सर्वर या उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, जिसके अंदर यूजर कार्य करता है, मतलब हम कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एंड यूजर, यूटिलिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर या सर्वर, तो इसका सही आंसर है एंड यूजर, ए। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।